Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम बात करेंगे 2006 में रिलीज हुई फ्रेंच फिल्म प्राइसलेस के बारे में, जिसके डायरेक्टर है पीटर साल्वाडोरी और जिसके लीड एक्टर्स हैं ऑड्री टॉटो और गाद अलमाले। ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी है जो ब्रेकफास्ट एट टिफनीज नाम की एक फिल्म से इंस्पायर्ड है। फिल्म की शुरुआत होती है एक होटल रूम में, जहां आइरीन नाम की एक यंग और खूबसूरत लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। उसका बॉयफ्रेंड एक बूढ़ा आदमी है जिसके साथ आइरीन सिर्फ पैसों के लिए है। वो एक गोल्ड डिगर है जो एक आलिशान जिंदगी जीने के लिए अमीरों के साथ रिश्ता बनाती है और उन्हें कन्विंस करती है पैसों के लिए। आइरीन के बर्थडे पर शराब पीकर उसका बॉयफ्रेंड सो जाता है, जिसके बाद वो उस होटल के बार में जाती है। वहां उसे मिलता है जॉन, जो कि उस होटल में वेटर और बारटेंडर का काम करता है। आइरीन को लगता है कि होटल का बारटेंडर वहां नहीं है और जॉन एक अमीर गेस्ट है जो वहां शराब पीकर सो गया है। आइरीन को अपना सच बताने की जगह वो उसे कॉकटेल्स बनाकर पिलाता है और खुद भी पीता है। वो दोनों शराब के नशे में होटल के सबसे महंगे रूम में जाते हैं और वहां रात बिताते हैं। अगली सुबह जब जॉन नींद से जागता है तो देखता है कि आइरीन वहां से जा चुकी है, पर जॉन आइरीन को भूल नहीं पाता। इस बात को एक साल बीत जाता है और एक दिन जब जॉन होटल में काम कर रहा होता है, वो देखता है कि आइरीन वहां जैक्स नाम के एक अमीर आदमी के साथ आई है। जब जॉन आइरीन को देखता है तो अपने वेटर होने का सच फिर से छिपाता है और आइरीन भी उसे वहां देखकर हैरान हो जाती है। जॉन हर कोशिश करता है अपनी असलियत छुपाने की और वहां से गेस्ट की तरह बाहर निकल जाता है। तब जॉक्स आइरीन को एक हीरे की अंगूठी देता है और उससे शादी करने की बात करता है, जो देखकर आइरीन खुश हो जाती है, मगर उसका ध्यान जॉन पर ही है। उस रात वो फिर से उस बार में जाती है जहां जॉन उसका इंतजार करता है और वो दोनों फिर एक बार होटल के सबसे महंगे रूम में जाकर रात बिताते हैं। जब आइरीन वापस अपने कमरे में जाती है तो जॉक्स उसे बताता है कि उसने जॉन और आइरीन को एक साथ देख लिया था और वो आइरीन के साथ शादी तोड़ देता है। आइरीन जॉन के पास सारा सामान लेकर जाती है और उसके सामने नाटक करती है, ये कहकर कि उसने जॉक्स को उसके लिए छोड़ दिया है। इन सब के बीच वहाँ एक स्टाफ मेंबर कुछ गेस्ट को लेकर उस रूम में आता है और उन्हें बेड पर जॉन और आइरीन दिखते हैं। तब आइरीन को जॉन के वेटर होने का सच पता चलता है और वो वहां से गुस्से में निकल जाती है। वो दूसरे शहर जाकर वहां से अलग अलग लोगों को कॉल करती है, इस उम्मीद से कि उनमें से किसी एक अमीर आदमी को वो अपने प्यार में फंसा ले। पूरे दिन कोशिश कर करके फाइनली वो एक आदमी के साथ डेट फिक्स करती है और एक कैफे में उसका इंतजार करती है, पर तभी वहां जॉन आता है जो उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाता है। वो उससे माफी मांगता है और उससे एक बार डिनर पर जाने के लिए कन्विंस करता है, पर आइरीन उसे वहां से जाने के लिए कहती है। वो उस आदमी के साथ कैफे में बैठी होती है जब उस आदमी को जॉन दिखता है। वो जॉन से डरकर वहां से निकल जाता है और आइरीन के बोलने पर भी नहीं रुकता। गुस्से में आइरीन जॉन को अपने साथ डिनर पर आने के लिए कहती है और एक महंगे होटल में लेकर जाती है, जहां का बिल भरने के लिए जॉन के पास पैसे भी नहीं होते। जॉन उससे अपने दिल की बात कहता है, पर आइरीन को उसकी बातों से कोई मतलब नहीं। वो जानबूझकर एक के बाद एक महंगी चीजें ऑर्डर करती है। वो जॉन से कहती है कि वो दोनों उसी होटल में रात बिताएंगे, जो सुनकर जॉन परेशान हो जाता है। उस होटल का महंगा बिल और वहाँ के रूम का पैसा सब कुछ जॉन को भरना पड़ता है। इतना ही नहीं, आइरीन महंगी चीजें खरीदती है और उन सब का पैसा भी जॉन को ही देना पड़ता है। जॉन उसके साथ वक्त बिताने के लिए उन सारी चीजों के पैसे देता है। उसके सारे पैसे खत्म होने लगते हैं और वो अपने सारे सेविंग्स, यहाँ तक कि अपने पेंशन के पैसे भी उस पर खर्च कर देता है। आइरीन को ये सब कुछ देखकर बुरा लगने लगता है और वो जॉन के पैसे खत्म होने पर उसके लिए खुद के पैसों से फ्लाइट बुक करती है, ताकि वो फिर से अपने काम पर चला जाए। जाते हुए जॉन अपनी जेब से आखिरी सिक्का निकालता है और आइरीन से आखिरी 10 सेकंड्स मांगता है उसकी आंखों में देखते रहने के लिए। वो वहां से 10 सेकंड बाद निकल जाती है और जॉन फिर से उस होटल में आता है पैसे देने के लिए, पर उसके पास बिल भरने के लिए पैसे ही नहीं बचते। तब उसकी मदद के लिए वहां एक अमीर औरत मैडेलिन आती है। वो जॉन के लिए पैसे भरती है उसके साथ एक रिलेशनशिप रखने के बदले में। वो उस रात वहां से निकलने की कोशिश करता है,
पर जब उसे आइरीन एक नए आदमी गिल्स के साथ दिखती है तो वो वापस मैडलिन के पास आ जाता है। अगली सुबह जब उसे आइरीन होटल में देखती है तो उसे लगता है कि जॉन अब भी उसका पीछा कर रहा है, पर फिर जब उसे सच का पता चलता है तो उसे ये देखकर अच्छा लगता है कि जॉन भी उसी की तरह बन रहा है। जॉन को किसी और के साथ देखकर आइरीन को बुरा तो लगता है, मगर अब वो उसे अपनी ट्रिक सिखाती है और उन्हें यूज करके जॉन मैडलिन से गिफ्ट लेता है। एक दिन शॉपिंग करते हुए आइरीन जॉन को एक सिक्का देकर बिल्कुल वैसे ही 10 सेकंड्स मांगती है जैसे जॉन ने मांगे थे। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और जॉन ये प्रूव करता है कि वो भी आइरीन की तरह ही एक अच्छा गोल्ड डिगर है, और इसमें आइरीन उसकी मदद करती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। इस बीच आइरीन ना चाहते हुए भी जॉन से प्यार करने लगती है, मगर अपने आप को किसी तरह रोक लेती है। वो जॉन की पुरानी घड़ी तोड़कर उसे देती है, पर जॉन समझ नहीं पाता कि उसने ऐसा क्यों किया। इसके बाद मैडलिन जबरदस्ती जॉन को एक प्लास्टिक सर्जन के पास लेकर जाती है और उसके कान को परफेक्ट शेप में लाने के लिए सर्जरी करवाती है। जॉन इस बात से नाराज होता है और मैडलिन उससे कहती है कि मनाने के लिए वो उसे वो सब कुछ देगी जो वो मांगेगा। तब उसकी टूटी घड़ी देखकर नई घड़ी दिलाने के लिए उसे वो एक जगह ले जाती है और एक महंगी घड़ी दिलाती है। तब जॉन समझता है कि आइरीन ने उसकी घड़ी क्यों तोड़ी। वो रात को होटल में आइरीन को घड़ी दिखाने जाता है और वो महंगी घड़ी देखकर आइरीन इम्प्रेस हो जाती है। जॉन को अमीरी का मजा लेते देख आइरीन बहुत खुश होती है और घड़ी की ट्रिक खुद भी आजमाने का फैसला लेती है। जॉन उसकी ट्रिक्स यूज करके मैडलिन को इम्प्रेस करने लगता है। तब देखता है कि गिल्स और आइरीन अपने रूम में जा रहे हैं। उन दोनों के बीच कुछ ना हो पाए इसलिए वो बार बार गिल्स को फोन करके रिसेप्शनिस्ट बनकर उसे परेशान करता है, और आइरीन को जब ये समझ आता है तो वो अपनी हंसी रोक नहीं पाती। जब जॉन वापस मैडलिन के पास आता है तो वो उसे धमकी देती है ये कहकर कि अगर उसने अपना पूरा ध्यान उस पर नहीं दिया तो वो उसे वहाँ से बाहर फेंक देगी और जो कुछ भी वो एंजॉय कर रहा है वो सब बंद हो जाएगा। ये सुनकर जॉन वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन मैडलिन उसे घड़ी के साथ एक स्कूटर भी गिफ्ट करती है और वो आइरीन को बताता है कि अब वो कंट्रोल में है, मैडलिन नहीं, क्योंकि मैडलिन को उसकी जरूरत है। आइरीन जॉन के साथ एक जगह जाना चाहती है और वहाँ जाने की तैयारी करती है, मगर जब वो वापस आती है तो देखती है कि मैडलिन वहाँ आ चुकी है। वो दोनों रात को गिल्स के सोने के बाद मिलने का फैसला करते हैं, मगर वो सोता ही नहीं। जब वो फाइनली कुछ घंटों बाद सोता है तो जॉन और आइरीन घूमने जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने के हर वो मौके ढूंढते हैं जिससे वो गिल्स और मैडलिन की नजरों से बच सके, और इस बीच उनका प्यार और बढ़ने लगता है। पर एक दिन जब आइरीन जॉन को बताने आती है कि वो गिल्स के साथ वेनिस जा रही है तो वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं और गिल्स उन दोनों को एक साथ बालकनी में देख लेता है और वो गुस्से से वहां से निकल जाता है। तब आइरीन के पास एक स्विम सूट छोड़कर कुछ भी नहीं बचता। आइरीन की ऐसी हालत देखकर जॉन अपनी घड़ी बेच देता है और उन पैसों से वो आइरीन के लिए एक हफ्ते के लिए एक रूम बुक करता है और उस रूम में कुछ कपड़े रखता है। जब मैडलिन को शक होने लगता है तो वो बताता है कि उसने वो घड़ी मैडलिन के लिए एक गिफ्ट खरीदने के लिए खर्च किए, जो देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। जॉन आइरीन को एक पार्टी की इनविटेशन देता है जहां वो अपने लिए अगला अमीर आदमी ढूंढती है, पर उसे कोई नहीं मिलता। तब उसे जैक्स एक लड़की के साथ दिखता है। आइरीन तब जॉन से मिलती है और उससे जैक्स को वापस अपने पास लाने के लिए मदद मांगती है, क्योंकि उसे अब पैसों की जरूरत है और अगर उसे जैक्स वापस नहीं मिला तो वो अपनी आलीशान जिंदगी जी नहीं पाएगी। इसके लिए वो दोनों जैक्स के साथ की लड़की को फंसाते हैं ये कहकर कि जॉन एक प्रिंस है और उसे प्यार की जरूरत है। वो लड़की इनकी बातों में आ जाती है और जॉन के पास आकर उसे इम्प्रेस करने लगती है। तभी वहाँ मैडलिन आती है और उन्हें साथ में देखकर नाराज हो जाती है। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ नहीं आ सकता, जो सुनकर वो उसे छोड़ देती है। वो उस लड़की से कहता है कि मैडलिन उसकी मरी हुई बीवी की माँ है जिसे पसंद नहीं कि वो दूसरी औरतों से बात करे, जो सुनकर वो लड़की उसके झांसे में आ जाती है और उनका प्लान कामयाब हो जाता है। आइरीन जैक्स के पास वापस तो जाती है, मगर जॉन को किसी और लड़की के साथ देखकर अब उसे तकलीफ होने लगती है।
वो जाक्स को कहती है कि अब उसे प्यार की जरूरत है, पैसों की नहीं, और वो अपनी आलीशान जिंदगी पाने की इच्छा को पीछे छोड़कर जॉन के पास जाने लगती है। वो जॉन के पास जाकर अपनी फीलिंग्स बताती है। अंत में वो दोनों स्कूटर पर इटली जाते हैं और वहां से निकलने में उनकी मदद वो ही एक यूरो का सिक्का करता है जो उन दोनों ने एक दूसरे को दिया था। वो दोनों लोग जो समझते थे उन्हें पैसों से खुशी मिलेगी, अंत में ये समझ जाते हैं कि पैसे सब कुछ खरीद सकते हैं पर प्यार नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।